केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध और भी तेज होता जा रहा है। इस योजना को वापस लेने के लिए देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी आए दिन उग्र होते जा रहे हैं और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे भी सतर्क हो गई है और रविवार को वैशाली एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस व बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित 40 एक्सप्रेस ट्रेनों को निरस्त कर दिया है, जबकि 27 पैसेंजर ट्रेनें भी नहीं चलेंगी। वहीं कांग्रेस पार्टी आज जंतर मंतर पर अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह करेगी। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल जारी है। सबसे ज्यादा असर बिहार में देखा जा रहा है, जहां सैकड़ों छात्र केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि ये योजना सेना के अधिकारियों के लिए क्यों नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने मनरेगा की तरह रोजगार देने की योजना बनाई है। तेजस्वी ने पूछा कि क्या ये आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई सवाल लागे, जिनमें उन्होंने कहा कि सरकार बिना विचार विमर्श के ऐसी योजना लेकर आती है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की बात की, लेकिन अब नो रैंक नो पेंशन लेकर आ गई। तेजस्वी ने कहा कि हिंसा से कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री को युवाओं की बात सुननी चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के मन में शंका है कि वो 4 साल बाद क्या करेंगे। केंद्र सरकार ने युवाओं की बात नहीं सुनी, क्या अग्निवीरों को 90 दिनों की छुट्टी मिलेगी। केंद्र सरकार ने सेना के बजट में कटौती की है। अग्निपथ योजना के खिलाफ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम पर युवाओं के मन में शंका है। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र से 20 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, सेना के अधिकारियों के लिए ये योजना क्यों नहीं है। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन से निपटने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक जारी है। वहीं इस योजना में कोई बदलाव होगा या नहीं, इस बारे में बताने के लिए आज सेना की प्रेस वार्ता होगी। प्रेस वार्ता में कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद है। अग्निपथ योजना को लेकर आज फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई। तीनों सेना अध्यक्ष के साथ रक्षा मंत्री ताजा हालात पर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।